लगा इस बार बीजेपी की सरकार मोहम्मद किसान का? आपको चैनल बंद करना पड़ेगा क्या इस बार बीजेपी की सरकार मोहम्मद किसान का? आपको चैनल बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर बीट 14। और मैं बता दूं कि आज यहाँ पे बीजेपी का रोड शो निकलने वाला है और इस रोड शो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ वो पहुँचने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के कदम कुआं चौराहे पे और मैं बता दूं कि कदम कुआं चौराहे से लेकर कारगिल चौक तक यह रोड शो होने वाला है। लगभग 2 किलोमीटर तक रोड शो होने वाला है। इसमें कि कई नेता मंत्री शामिल होने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल होने वाले हैं। इसमें मैं बता दूं कि बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद खड़े हुए हैं और यहाँ से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि पहले बीजेपी से थे लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं जिसमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आइए उनसे बात करेंगे इस रोड शो को लेकर। अभी हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी है, इनसे हम जानेंगे कि अमित शाह कब तक आएंगे और कितना बड़ा रोड शो होने जा रहा है। सर, अमित शाह कब तक आएंगे, कितना बड़ा सर रोड शो होने जा रहा है? देखिए, पूरा शहर अमित शाह जी के स्वागत में उमड़ पड़ा है। विशेष करके नौजवान महिलाएं बड़ी संख्या में अमित शाह जी के स्वागत में खड़ी हैं, क्योंकि पूरा पटना मोदीमय है, मोदी जी के साथ है। आज बड़ी संख्या में यहाँ रोड शो में अमित शाह जी के साथ लोग चलेंगे। लोग यहाँ से पैदल चल करके गांधी मैदान तक जाएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है? कार्यकर्ताओं में जोश तो स्वाभाविक है। जब जनता कार्यकर्ता से आगे हो जाए तो कार्यकर्ता का उत्साह दुगना हो जाता है। पूरे पटना की वही स्थिति। क्या पटना साहिब की जनता मूड बना चुकी है कि इस बार रविशंकर प्रसाद को ही जाना? पटना सिटी की जनता ने तो पहले से ही 2009 से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का अभ्यास बना लिया है। 14 में अपार बहुमत से भाजपा के उम्मीदवार की विजय हुई थी और इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। जिन लोगों ने भाजपा के साथ गद्दारी की है, पटना की जनता उनको सबक भी सिखाएगी। सर, लास्ट का मुझे नरेंद्र मोदी के बारे में, सर क्या इस बार बीजेपी की सरकार मोहम्मद किसान का? आपको चैनल बंद करना पड़ेगा। ये सवाल पूछने का मतलब है जनता से कोई मतलब नहीं है आपका। पूरा देश मोदी में है, मोदी के अलावा किसी और की गुंजाइश वर्षों तक नहीं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इन्होंने बताया कि पूरा अभी हमारे साथ विधायक नितिन नवीन जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि अमित शाह कब तक आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं सर? अब से हमको तो आधे घंटे पौन घंटे के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी चौराहे पे आ जाएंगे। पूरा पटना का जनमानस यहाँ उमड़ पड़ा है और मुझे लगता है कि अब तक की सबसे अभूतपूर्व रोड शो देखने को आपको मिलेगा। कितना जोश देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में? अब आप देख सकते हैं कि अभी 4:30 हुए हैं, 5:30 बजे तक उनके आगमन का है और अभी लगता है कि 5,000-10,000 से अधिक लोग यहाँ जुट चुके हैं। तो क्या रविशंकर प्रसाद यहाँ से निकल रहे हैं? जीत रहे हैं और बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। चलिए, तो ये इनका कहना था। तो हमारे से तभी विधायक सर चौरसिया जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, रोड शो के बारे में क्या? बहुत ही अभूतपूर्व रोड शो है। संपूर्ण पूरा व्यापारी समाज और समाज के समरस भाव, सब लोग एकाग्र भाव से स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को तैयार हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता से लेकर समाज का सभी वर्ग और सबका साथ सबका विकास, अल्पसंख्यक समाज से लेकर सब लोग हैं, स्वागत के लिए तैयारी हैं। और आपके माध्यम से भी आह्वान है कि जल्द से जल्द जो लोग भी हैं सब लोग ऐतिहासिक रोड शो का देखने का यहाँ लाभ उठा रहे हैं। अमित शाह कब तक आने? बस कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। इस क्षण को हम लोग लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे बात करते हैं। रोड शो के बारे में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज है रोड शो, पूरे भारत में जितना भव्य नहीं हुआ है उससे भी ज़्यादा भव्य होने वाला है। और हम सभी कार्यकर्ता लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से रविशंकर प्रसाद जी रिकॉर्ड वोट से जीते और वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करें। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग ये लोग आए हुए हैं उनके गोद लिए हुए गांव आदर्श ग्राम अलावलपुर से। कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखा जा रहा है? क्या कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखा? कार्यकर्ताओं में जोश आपको यहां पर देखकर पता लग रहा होगा।
हम लोगों के गांव यहां से 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन रोड शो में हमारे कम से कम 1500 कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं और रविशंकर प्रसाद जी को भारी से भारी मतों से विजय दिलाने के लिए एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के पद प्रतिष्ठा एवं मान को बढ़ाने के लिए और इस देश के विकास के लिए हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? इस बार हमारा मुद्दा है विकास और राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो विकास किसका हम करेंगे। आज से नहीं, हमारा देश जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, आज हम सिमटते सिमटते कहाँ आ गए हैं। हम हजारों टुकड़े में बट चुके हैं क्योंकि हमारे पास उस समय राष्ट्रवाद जगाने वाला पुरुषार्थ मौजूद नहीं था। आज हमारे साथ पुरुषार्थ मौजूद है और हम लोग यदि राष्ट्रवाद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा देश बढ़ते 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 ये रूस के जैसा 25 गणराज्य में बढ़ जाएगा। आज स्थिति क्या है, आज स्थिति देख लीजिए, जहाँ पे हमारी संख्या 70%। अमित शाह कब तक आएंगे क्या? अमित शाह के लिए अभी तो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी सी फ्लाइट विलम्ब हो गई है, वो करीब आधा घंटा विलम्ब से आएंगे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं कि अमित शाह को भव्य स्वागत किया जाए। चलिए और भी यहाँ पे कुछ लोग उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे रोड शो के बारे में, क्या कहेंगे? रोड शो होने जा रहा है, रोड शो बहुत भव्य होगा और हम लोग सब साथ देंगे। जब आए अमित शाह जी हम लोग साथ हैं। रविशंकर प्रसाद यहाँ से निकल रहे हैं क्या? रविशंकर प्रसाद जी हम लोग का गांव को गोद लिया है, अलावलपुर आदर्श ग्राम को, और हम लोग उनका साथ हैं और पहले से भी हम लोग बीजेपी के साथ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोग बीजेपी में थे तो हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा के घर में ताला लगा हुआ होगा, जो कि यहाँ पे उनका विरासत वाला घर है। सोचिए कि जब इलेक्शन के टाइम में घर में ताला है तो बाद में क्या स्थिति रहता होगा, ये आप लोग को हम लोग को समझना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि जब शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में थे तो मतलब कि अच्छे थे और जब उधर चले गए? हम लोग भाजपा को लेके उनको वोट दे रहे थे। सीट है भाजपा का सीट है, शत्रुघ्न सिन्हा को हम लोग ऐसे ही भाजपा के नाते देते आए थे, कोई विकल्प नहीं था, शत्रुघ्न सिन्हा ही थे, शत्रुघ्न सिन्हा को देना मजबूरी था। अब बीजेपी रविशंकर प्रसाद को लाइए, रविशंकर प्रसाद बहुत अच्छे नेता है, वो हमारे हर तरह से सब लोगों का विकास करें। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि यहाँ से तो हम ही नहीं, वो तो बीजेपी का सीट है, ये जो पाटलिपुत्र सीट है बीजेपी का सीट है। बीजेपी सीट पे अगर कोई भी किसी को भी खड़ा, पटना साहिब से किसी को भी खड़ा कर दिया जाएगा बीजेपी से तो वो जीत जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा तो कोई एक सीने स्टार है, कभी कभी नाच गाना भी कर लेते हैं, अब तो वो भी नहीं करने आते हैं पाटलिपुत्र के धरती पे। अब देखिए उनका घर बंद है, अभी घर के पास भी उनका ऑफिस नहीं है, इस एरिया में उनका ऑफिस नहीं है, सोच सकते हैं कि उनका क्या स्थिति है। और रहा बात बीजेपी संपूर्ण बहुमत से आ रही है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें? नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष हैं, देश के रक्षक हैं, और उससे बड़ा क्या चाहिए। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस ने आज तक 60-70 सालों तो कुछ नहीं किया सिवाय लोगों का भ्रष्टाचार, चोरी, यही सब सिखाते आए हैं लोगों को। राहुल गांधी कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। नहीं नहीं, बेरोजगारी आज 5 साल में थोड़े बढ़ गया, इससे पहले भी तो बेरोजगार था, आज 5 साल से हम थोड़े बेरोजगार हैं, इससे पहले से भी तो बेरोजगार हैं हम, कहाँ वो दूर कर दिए बेरोजगारी। राहुल गांधी तो खुद एक अभी बेरोजगार हैं, वो दूसरे को रोजगार कहाँ से देंगे, सबसे पहले वो अपना रोजगार उत्पन्न करे, उसके बाद लोगों का रोजगार के बारे में सोचे। तो इस बार फिर से मतलब मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर मोदी। देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है, काफ़ी भव्य रोड शो होने जा रहा है और कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। अमित शाह आने वाले हैं जो कि कुछ ही समय में यहाँ पहुँचेंगे। कई सारे नेता हैं, मंत्री हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता हैं, उनमें काफ़ी जोश देखा जा रहा है। तो ये रोड शो कदम कुआँ से लेकर कारगिल चौक तक जाने वाला है, लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है। तो तब तक आप देखते रहिए BeforePrint.in। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं BeforePrint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। हाय, दिस इज नेहा मारदा। BeforePrint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए एंड एवरीथिंग व्हाट दे वांट यू टू डू।
beforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, सो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस लाइक कीजिए. थैंक यू. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.